जय हिंद। आज हम जानेंगे क्यों विश्व के सभी देश सॉफ्ट ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक और जो फास्ट फूड है उनके अगेंस्ट जा रहे हैं और भारत सरकार भी इनके खिलाफ सख्त कदम उठाने जा रही है। हाल ही में विराट कोहली ने एक कोल्ड ड्रिंक कंपनी का ऐड छोड़ दिया है। कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद उन्होंने इसका अगला स्टेप छोड़ दिया। अमिताभ बच्चन जी ने भी एक कोल्ड ड्रिंक कंपनी का ऐड छोड़ दिया। और हाल ही में क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जो वर्ल्ड में फुटबॉल प्लेयर जो सबसे फेमस है, उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उनके सामने जो कोल्ड ड्रिंक का एक बोतल रखा गया तो उसे उन्होंने हटा दिया, जिसके चलते वो कंपनी भी चर्चे में रही और बहुत लोगों ने उस कंपनी का बायकॉट भी किया। ये कंपनियां ऐसे कंटेंट्स मिलाकर सॉफ्ट ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक बनाती है जो हमारे शरीर के लिए कुछ नहीं, बहुत ही ज़्यादा घातक होता है। इनके कॉन्टेंट्स जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक है वो हमने ले रखा है। पहला है शुगर, एसिड, केमिकल कलर, कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ही ज़्यादा मात्रा में ये लोग मिलाते हैं, केमिकल स्टेबलाइजर, प्लास्टिक बोतल और हाई कैलोरी। ये कैलोरी लगभग 350 कैलोरीज देते हैं विदाउट किसी विटामिन, विदाउट किसी मिनरल, विदाउट किसी प्रोटीन के, जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा घातक हो जाता है। वन बाय वन हम लोग जानेंगे क्या कैसे है, उनकी केमिकल प्रॉपर्टी जानेंगे और हमारे शरीर में कितना घातक होता है इस पर भी हम चर्चा करेंगे। जनरली डायरेक्ट शुगर लेना अलाउ नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से भी, इसलिए ये लोग वाटर स्वीटनर के नाम से ऐड करते हैं। जिसमें सक्रीन, सुक्रोज और एस्ट्रामोल होता है। ये इसमें से सबसे ज़्यादा घातक जो शुगर के तीनों हैं, तीनों स्टेप जो आप देख सकते हैं फोटो में दिखाया जा रहा है, एस्पार्टेम, सक्रीन और सुक्रोज, जिसको सुक्रोज भी कहते हैं। तो एस्पार्टेम जो है इसमें से कैंसर का कारक माना जाता है। WHO के रीडिंग के दौरान और जर्मनी ने हाल ही में स्टडी भी किया था कि एस्पार्टेम से कैंसर के चांसेस बढ़ जाते हैं, जिस कारण इसका इस्तेमाल करना शरीर के लिए और स्वास्थ्य के लिए दोनों के लिए बहुत ही हानिकारक होता है। जनरली ये जो वाटर स्वीटनर है ये केवल जीभ पे मिठास की स्वाद देते हैं, बाकी बॉडी में इनका कहीं भी कोई केमिकल रिएक्शन या कोई भी कॉम्पोजिशन या कंजम्पशन नहीं होता है, अर्थात जैसे हम लोग इनहेल करते हैं वैसे रिलीज कर देते हैं। लेकिन जब ये हमारे बॉडी के अंदर जाते हैं तो लंबे समय तक इनकी उपस्थिति बनी रहती है और लंबे समय तक बनने के बाद ये हमारे शरीर में हानि पहुंचाते हैं, अर्थात ये जो इनका जो डिकम्पोजिशन है वो नहीं हो पाता और ये हमारे शरीर के लिए घातक हो जाते हैं। उसके बाद है एसिड। जनरली ये टू टाइप्स एसिड इस्तेमाल करते हैं, सिट्रिक एसिड और फॉस्फोरिक। सिट्रिक एसिड जो कि नॉर्मल हम लोग लेमन, संतरा यानी जो खट्टे पदार्थ कच्चे हम इन सब में हमें सिट्रिक एसिड मिल जाता है, जो कि हमारे शरीर के लिए जरूरी भी है, लेकिन ये इतनी मात्रा में इस्तेमाल करते हैं इसके स्वाद को खटास को लाने के लिए कि हम और हमारे शरीर में बहुत हानिकारक है, क्योंकि सिट्रिक एसिड से बैक्टीरिया और फंगस के बढ़ने के चांसेस होते हैं, यानी जो हमारे शरीर के अंदर कॉज ऑफ डिजीज यानी जो बीमारी के कारक है ये उनको हेल्प करता है, और इसी के असर को कम करने के लिए फॉस्फोरिक एसिड मिलाया जाता है। जनरली फॉस्फोरिक एसिड जो कॉज ऑफ डिजीज होते हैं उनको कम करने में मदद करता है, जिस कारण ये दोनों मिलाए जाते हैं। लेकिन इन दोनों का हमारे शरीर में कोई मतलब ही नहीं बनता, जब हमें इनकी ज़रूरत ही नहीं है ज़्यादा मात्रा में तो इन्हें हम क्यों लें। मेडिकल कहता है और WHO भी कहता है कि हमारे शरीर को जितना भी शुगर और जितने भी एसिड की ज़रूरत है, जितना भी शुगर एसिड की ज़रूरत है, अगर हम डेली फल मूल वगैरह लेते हैं या फिर कोई भी प्राकृतिक पदार्थ खान भोजन लेते हैं, हमारी ज़रूरत उससे ही पूरा हो जाता है, तो इससे शुगर एडिक्ट होने का भी ज़्यादा चांसेस है। और अमेरिका में 2011 के स्टडी में पाया गया था कि शुगर शुगर एडिक्ट
शुगर एडिक्शन इज डेंजरस देन यानी शुगर का एडिक्शन मतलब शुगर की आदत लगना ड्रग्स की आदत लगने से भी ज्यादा खतरनाक होता है। और ज्यादा शुगर कंज्यूम करने से हम लोग जानते हैं जैसे कि शरीर में फैट आ जाएगा, हाथ में बीमारी होगी, ज्वाइंट्स जो हड्डी के ज्वाइंट्स है उनमें पेन होगा, दर्द होगा, ज्यादा फैट पड़ जाएगा, जो हमारे शरीर में घाव होंगे वो जल्दी ठीक नहीं होंगे। बहुत सारी शुगर के साइड इफेक्ट्स हैं। और इसके साथ साथ इनमें बेंजोइड भी पाया जाता है। हालांकि बेंजोइड और ऐसे कहा जाता है कि बेंजोइड जब सनलाइट में विटामिन सी के साथ कोई भी बेंजोइड सनलाइट में इन सनलाइट या फिर हीट सनलाइट या हीट में विटामिन सी के साथ या इसमें जो सिट्रिक एसिड यूज करता है, सिट्रिक एसिड भी एक प्रकार का विटामिन सी है, सिट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करके बेंजीन बना देता है और यह बेंजीन कैंसर का बहुत ही बड़ा कारक माना जाता है, जो हमारे शरीर के लिए बहुत बहुत ही हानिकारक है, अर्थात ये बहुत ज्यादा हानिकारक होते हैं। मेरी राय है अगर कोई पूछे कि हम कितना कंज्यूम कर सकते हैं, मतलब कितना हमें पीना चाहिए, आधा गिलास एक गिलास बिल्कुल भी नहीं पीना चाहिए। और गवर्नमेंट ने जब इन कंपनियों को लाइसेंस मिलता है तो उस पे लिखा जाता है कि 10 से 12 साल से ज्यादा के जो लड़के हैं उन्हीं को देना है, 10 से या 12 साल से छोटे बच्चों को तो कोल्ड ड्रिंक सॉफ्ट ड्रिंक ये सब कंज्यूम ही नहीं करना है। लेकिन ये लोग एड में ही दिखाते हैं कि छोटा बच्चा एकदम गटर गटर और गाना बज रहा है कोका कोला, जो कि हमारे शरीर के लिए स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक है। ये बेंजीन बेंजीन आपने पढ़ा होगा कि इंडस्ट्री से जो कार्बन वगैरह जलता है वहां से पावर प्लांट से निकलता है, जो हमारी गाड़ियां जिनमें हम लोग कोल वगैरह या फिर पेट्रोलियम यूज करते हैं उसके कंबसन से जो निकलता है वो बेंजीन निकलता है और ये हमारे शरीर के लिए बहुत ही हानिकारक होता है। केमिस्ट्री में पढ़े होंगे ना ऐसे साइकिल, जब 11 12th की केमिस्ट्री हम चलाएंगे नीट और जेईई मेंस के लिए उसमें अच्छे से हम इन सबको डिस्क्राइब कर देंगे। और ये लोग ऐड करते हैं केमिकल कलर, केमिकल कलर कई प्रकार के केमिकल कलर ये लोग इस्तेमाल करते हैं। हालांकि कई देशों ने यूके पोलैंड डेनमार्क स्वीडन जो कि पश्चिमी देश है, डेनमार्क स्वीडन आप देखेंगे ग्राफ में तो डेनमार्क स्वीडन स्विट्जरलैंड ये सब पश्चिमी देश है जो कि उधर है और इस तरफ जो इंग्लैंड है इन सभी ने बहुत सारे कलर कोड, कलरों का एक फिलिप कोड होता है जो इनमें इस्तेमाल किया जाता है E11, E110, इस कोड के 2-3 कलर इस्तेमाल किए जाते हैं जिनको पूरी तरह से बैन कर दिया गया है। एक्चुअली जब ये यूथ कंज्यूम करता है तो उसको हेजिटेशन मतलब इरिटेट होते हैं, इरिटेशन का चांसेस बढ़ता है इन सब कलर को कंज्यूम करने से, जिस कारण इन सभी देशों में बैन कर दिया गया है। हालांकि हमारे देश में इनके खिलाफ अभी कोई सख्त कदम नहीं उठाए गए। और इसमें जो सबसे ज्यादा जो आप ब्राउन ब्लैक जो डार्क ब्राउन कलर देखते हैं ना उसको कैरेमल के नाम से जाना जाता है। एक्चुअली कैरेमल बनता कैसे है, कैरेमल बनाने के लिए शुगर को अमोनिया और सल्फाइड से अमोनिया सल्फाइड किसी के साथ जब शुगर या शुगर मटेरियल जिसमें शुगर की परसेंटेज 80% से अबव उनके साथ जलाया जाता है, बर्न किया जाता है, उसके बाद जो मटेरियल तैयार होता है वो कैरेमल कलर बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जबकि स्टडी के मुताबिक ये पाया गया कि जो शुगर जब अमोनिया के साथ बर्न होता है तो कुछ कैंसर के कारक भी पैदा होते हैं जो कि हमारे शरीर के लिए हानिकारक होते हैं, जिस कारण इस कलर को भी कई देशों ने बैन कर रखा है। एक्चुअली ये सॉफ्ट ड्रिंक कोल्ड ड्रिंक नॉर्थ कोरिया, क्यूबा और 2-3 देश हैं जहां पे पूरी तरह से बैन है, यानी किसी भी प्रकार का सॉफ्ट ड्रिंक कोल्ड ड्रिंक वहां नहीं बेचा जाता, यानी वहां पे यूथ या फिर जो लोग हैं उनके स्वास्थ्य का पूरी तरह से ख्याल रखा जाता है। इसी कारण 2022 के अप्रैल या मई में ही WHO ने कहा था कि कृपया जो भी फास्ट फूड आप खा रहे हैं, फास्ट फूड का मतलब कि खाने को जल्दी से तैयार करने के लिए बहुत ही तेज आंच पे पकाया जाता है जिसके कारण
एक परत भोजन का, जैसे अगर हम पनीर, पनीर का एक टुकड़ा लेते हैं, पनीर का हमने एक टुकड़ा लिया, तो अगर ये सतह बर्तन के टच में आती है तो देखिएगा थोड़ा सा काला पड़ जाता है। और पनीर में कहीं ना कहीं शुगर की मात्रा होती है, कुछ 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 केमिकल्स होते हैं, और ये दही से बनाए जाते हैं, अर्थात जो जब ये बर्न हो जाते हैं तो बर्न के बाद जो एस बनता है वो कॉज ऑफ कैंसर, जो हमारी बॉडी में जाने के बाद उसकी स्टेबिलिटी बनी रहती है और वो जो कैंसर कारक होते हैं उनको सहायता प्रदान करता है, जिस कारण WHO ने भी अलर्ट किया था कि कृपया जले हुए भोजन ना खाएं, जिस कारण हमें ये भी प्रूफ हो जा रहा है कि कैरेमल हमारे शरीर के लिए कितना हानिकारक है। और WHO ने तो जले हुए भोजन को भी बताया, ये हो गया। उसके बाद आता है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड तो सब लोग जानते हैं, जब भी पॉल्यूशन का नाम आता है कार्बन डाइऑक्साइड फ्रंट पे, भाई ग्रीन हाउस इफेक्ट कार्बन डाइऑक्साइड फ्रंट पे, ओजोन लेयर तो भी आ जाता है फ्रंट पे ही, हीट गर्मी ज्यादा बढ़ी तो भी फ्रंट पे, वैसे 0.22 0.3 ऐसा इसका परसेंटेज होता है हमारे एटमॉस्फेयर में, लेकिन ये वाटर के साथ हाई प्रेशर पे डायरेक्ट गैस को कंप्रेस किया जाता है, जिस कारण इसमें फिज, वो जो फिज नहीं बोलते, फिज या हमारा स्पंज, वो जो झाग पैदा होता है ना इनमें, वो कार्बन डाइऑक्साइड के कारण ही होता है, अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड के मिलाने का कारण उसमें झाग बनना और फिज करना, यानी वो आपकी सहूलियत और अच्छा दिखने के लिए करते हैं, जबकि हमारे शरीर के लिए कहीं भी ये लाभदायक नहीं, अर्थात हमारी शौक हमारी जान के लिए खतरा बन जाता है। जो जितना फ्यूज होगा या जितना झाग बनाएगा, समझिए उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा उतनी ही ज्यादा है, और कार्बन डाइऑक्साइड हमारे शरीर के लिए कितना घातक है हम लोग जानते हैं। उसके बाद है केमिकल स्प्लैश। ये सब जो केमिकल मिलाए जाते हैं, जो भी एसिड बीट में और ये फॉस्फोरिक एसिड कुछ जो भी मिलाए जाते हैं, ये आपस में रिएक्शन करके कुछ खराबी ना लाएं, इसके लिए कुछ केमिकल स्टेबलाइजर, कुछ एक्सटर्नल केमिकल डाले जाते हैं, जिसके कारण ये स्टेबल बन रहे हैं, होमोजीनियस रहे हैं। 11th या 12th में हम लोग केमिकल स्टेबलाइजर, कुछ केमिकल स्टेबलाइजर बारे में पढ़ेंगे, तो ये सब जो मिलाए जाते हैं ये केमिकल प्रॉपर्टीज को बनाए रखने के लिए, ताकि ये आपस में रिएक्शन ना कर सके। और ये जब हम कंज्यूम करते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक या कोल्ड ड्रिंक जो भी कंज्यूम करते हैं, तो ये हमारे शरीर के अंदर जाते हैं, और हमारे शरीर में कई प्रकार के, जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना कि हमारे आंत में HCl एसिड जो सबसे ज़्यादा होता है, बहुत सारे एसिड्स होते हैं जो हमारे शरीर में होते हैं, और जिनकी मात्रा बढ़ जाने पे वो हमारे लिए गैस हो गया, ये बढ़ जाता है तो गैस हो जाता है, बहुत सारे हैं कि घातक हो जाते हैं, और ये जब हम दवा खाते हैं तो ये रिलीज होते हैं, लेकिन जब ये स्टेबलाइजर की मात्रा हमारे शरीर में बढ़ जाएगी तो दवा भी हमारे शरीर पर काम नहीं करेगी, अर्थात आप बता सकते हैं या फिर आप समझ सकते हैं ये कितना हानिकारक है। सारे के सारे हानिकारक ही निकल रहे, कोई भी हमारे शरीर के लिए अभी तक लाभदायक नहीं निकला। आगे चलते हैं, प्लास्टिक बोतल, पॉल्यूशन तो सुने होंगे ना, प्लास्टिक में कैसे बैन हुआ ये भी जानते हैं। कोई भी बोतल लीजिए, 100ml, 250ml, 700ml, 600ml, 1 लीटर, 2.5 लीटर, 1.25 लीटर, सब प्लास्टिक बोतल में आता है, सब पे स्टिकर रहता है, और ये इतना इनका चलन हो गया हमारे देश के अंदर कि गांव से लेके किसी भी गांव में चले जाइए या फिर पहाड़ी एरिया में चले जाइए, कहीं भी चले जाइए, दूर दराज खेत में चले जाइए, हर जगह इनका चलन है, हर जगह लोग सॉफ्ट ड्रिंक कोल्ड ड्रिंक कंज्यूम कर रहे हैं, और इनके साथ जो प्लास्टिक बोतल वगैरह जाता है या जो भी स्टिकर जाता है, जो भी कैन जाती है, लोग कंज्यूम करने के बाद वहीं थ्रोन कर देते, क्योंकि हर जगह तो म्युनिसिपैलिटी की गाड़ी जाएगी नहीं, भाई गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, खेत में कहाँ से कचरा निकाल, गांव में तो होगा ही नहीं, गांव में लोग वैसे ही सब खेत वगैरह में कचड़े फेंकते हैं, जिस कारण हमारे सोयल में हैवी मेटल पॉल्यूशन, ये प्लास्टिक जल्दी डिकम्पोज नहीं होते जिस कारण, और ये स्टिकर ये भी प्लास्टिक के बनाए जाते हैं, इसमें भी हानिकारक कलर से प्रिंट किया जाता है, हम समझते हैं कि छोटा सा है, लेकिन छोटा ही एक एक करके इतना ज़्यादा हो जाता है जो आगे चल के बहुत ही खतरनाक हो जाता है और हमारे कंट्रोल में नहीं होता। ये हैवी मेटल पॉल्यूशन का भी कारक बन जाते हैं। और खेतों में उर्वरक क्षमता को भी घटाने बढ़ाने में बहुत ही इनकी मतलब प्लास्टिक का तो पोल्यूशन बहुत ही लेवल पे हो गया है।
और अगर हम जलाएंगे तो हानिकारक गैस निकलेगा। SO4 निकलता है, NaCl निकलता है, ये सब गैस हानिकारक गैस निकलते हैं। उसके बाद आते हैं हाई कैलोरी। एक बंदा खेत में काम करता है तो मानते हैं कि 10 न्यूटन जूल जो भी एनर्जी कंज्यूम करता है, तो क्या वो एनर्जी के लिए एक ही बार खाना खा लेते हैं? नहीं, खाना खाते हैं, खाने में हमें विटामिन मिलता है, प्रोटीन मिलता है, कैलोरी मिलती है, बहुत सारे फॉस्फोरस और सोडियम वगैरह बहुत कुछ मिलता है, लेकिन यहाँ पे वन एंड ओनली कैलोरी, बाकी कुछ भी नहीं। पानी मिलेगा, वो भी कार्बन डाइऑक्साइड से मिक्स, और 1 लीटर की बोतल में लगभग 350 कैलोरी, लगभग 350 कैलोरी मिलती है, जो कि कंपेयर किया जाए तो मतलब वन जो हम लोग लंच में खाना खाते हैं ना उसके बराबर है, बिना किसी प्रोटीन, बिना किसी विटामिन, बिना किसी मिनरल, किसी के भी विदाउट एडिशन ये डायरेक्ट कैलोरी मिलती है, जो कि हमारे लीवर और शरीर दोनों के लिए बहुत ही, लीवर के लिए भी ज़्यादा खतरनाक हो जाता है। और ये मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, अंदर भी फ्यूज होता है, यानी कि बाहर ही अंदर भी फ्यूज करता है, जो कि घाव इनसाइड ऑफ, यानी जो हमारा शरीर का जो ये लीवर वगैरह है इसके इनसाइड में घाव होने की चांसेस बढ़ जाती है, अर्थात ये किसी भी प्रकार से हमारे लिए लाभदायक नहीं है। यही कारण है कि हर देश में इनके खिलाफ सख्त कदम उठाए जा रहे हैं, हमारी सरकार भी इनके इनके जो कलर मिला रहे हैं ग्रीन येलो जो भी ये कलर के चलते, और जो हाई शुगर मेंटेन कर रहे हैं इनके चलते सख्त कदम उठाने जा रही है। अमेरिका ने इनके कई प्रोडक्ट के खिलाफ बैन लगाया, तो इन्होंने वहाँ पे केमिकल प्रॉपर्टी चेंज कर दी, यानी कुछ कंटेंट्स में बदलाव करके वहाँ पे सेल्स कर रहे हैं, बेच रहे हैं। एक्चुअली अमेरिका में ये भी है कि वहाँ का एक रूल ही है कि जो भी कंपनी है चुनाव के वक्त किसी भी पार्टी या चुनाव आयोग को पैसा डोनेट कर सकती है, जो कि डोनेट एक प्रकार से अगर देखा जाए, साइड से देखा जाए, या फिर एक एज ए सिविलियन देखा जाए, तो वो करप्शन ही दिखता है। क्योंकि अगर जो कंपनी चुनाव में अगर पैसा दे रही है, तो क्या आप उसके कुछ कुछ कंटेंट पे बैन, सरेआम बैन नहीं लगा सकते, क्योंकि अगले चुनाव में वो पैसा नहीं देगी, अर्थात ये कहीं ना कहीं असर करता है। और बच्चों को स्कूल में भी पढ़ाया जाता है कि ये कितना हानिकारक होता है, बच्चे भी पढ़ते हैं। यही कारण है कि सुनने में एक बार आया था कि अमिताभ बच्चन जब किसी स्कूल में विजिट करने गए थे, तो वो किसी कोल्ड ड्रिंक कंपनी का प्रचार कर रहे थे, ये 2017-18 का ही बात है, न्यूज़ में अभी देखा था हम लोगों ने, तो उस बच्चे ने पूछा कि सर कोल्ड ड्रिंक समय स्कूल में पढ़ाया जाता है कि हमारे शरीर के लिए हानिकारक है, और आप कह रहे हैं कि कोल्ड ड्रिंक पियो, प्रचार में दिखाते हैं। तो वहीं अमिताभ बच्चन ने कहा कि अब मैं इसका ऐड नहीं करूंगा, आपने मेरी आंखें खोल दी। उसके बाद अमिताभ बच्चन ने उस कंपनी से नाता तोड़ दिया। झाग बनना शौक उतना ही पाले जो शरीर और फ्यूचर दोनों के लिए लाभदायक, क्योंकि शरीर है तभी फ्यूचर है। यही कुछ कारण है जिनसे कि देखने में लगता है कि हाँ अभी भी पश्चिमी देश बहुत ही अपडेट कर चुके हैं, हर एक छोटी छोटी चीजों पे नोटिस करते हैं, हर एक छोटी छोटी, इतना हमने देखा अभी तक इस पे खिलाफ कोई भी सख्त कदम नहीं उठाए गए, लेकिन अब उठाए जाएंगे। ये इनके बारे में जानकारी थी, और भी आपके पास अगर इनके बारे में जानकारी है तो हमसे शेयर करें। हाल ही में जर्मनी में 1 लाख यूथ पे भी ये रिसर्च हुआ था, ये कलर को लेके कि ये कितना कैंसर का कारक हो रहा है, वहाँ भी निकला कि ये कैंसर का कारक है, हालांकि कुछ लैब बताते हैं कि नहीं है, जिस कारण इनको लाइसेंस मिल जाता है, लेकिन वहाँ पे 1 लाख यूथ पे 2022 मई में ही रिसर्च हुआ, तो उन लोगों ने बताया कि ये कैंसर का कारक है।